अब विपक्ष है तो वो तो दबाने के लिए दूसरे पार्टी को ऐसे ही करेगी, लेकिन हम लोगों का सपोर्ट जो है बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ जी बिल्कुल। जितना भी बिहार में कुछ हुआ है, जैसे कोई भी घोटाला हुआ है, उन्हीं के खानदान का किया हुआ है। 1990 तक अभी तक जो भी है उन्हीं के हाथ में सत्ता है। प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब ठीक लगते हैं आपको? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो तो पप्पू है, एमडी है, पप्पू है, वो पप्पू है। हाँ पप्पू है, एमडी है। महंगाई है तो क्या हुआ, लेकिन काम तो अच्छा हो रहा है, सही है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सच्चाई हो सबसे पहले, सच्चाई। जैसे कहीं घूमने जाते थे, कितने भी पैसे मांग लेते थे कुछ भी ऐसे, जैसे अब वो सब थोड़ा सा सुधार हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। 2024 में वापसी होगी भारतीय? हाँ वापसी होगी पक्का, 100% वापसी होगी। विपक्ष जो तैयार बैठा है वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए, राहुल गांधी जैसे? वो तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं, वो तो पिछले कितने सालों से बैठे हुए हैं, अभी उनका नंबर आना मुश्किल है। अभी तो यही बने राहुल गांधी, अभी नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी उनमें वो क्षमता नहीं है। विपक्ष कुछ खेल करता दिख रहा है, बीजेपी कुछ इस बार डाउन होगी पहले का जी जी रहेगा नहीं, क्योंकि उनमें किसी का तालमेल बैठेगा ही नहीं किसी के साथ। राहुल गांधी चाहेंगे जब हम प्रधानमंत्री बन जाए, ममता बनर्जी चाहेगी जो हम बन जाए, और उधर नीतीश जी चाहेंगे जो हम बन जाए, अखिलेश यादव चाहेंगे जो हम बन जाए, इसलिए गठबंधन तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। चाहे कुछ भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस तो वैसे भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, और ज़्यादा यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। देखिए हमारा देश सुरक्षित है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हमारा देश सुरक्षित है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2014 से पहले भी तो सुरक्षित था, नहीं था क्या? सुरक्षित क्या हुआ, सुरक्षित था, देश गुलाम होने का स्थिति में था। महंगाई जो कहते हैं, महंगाई कोई खास बढ़ा नहीं है, देश हमारा सुरक्षा यानी कि आर्थिक मजबूती हुआ, और देश का जो यानी कि विकास के लिए, जो यानी कि देश के बॉर्डर के लिए, सेना के लिए जो बम परमाणु बनाया है मोदी जी, वो इतना पिछले सरकार नहीं किया था। नहीं वो तो अपनी बात रखी, उन्होंने विरोध कहाँ किया, देश का कहाँ अपमान किया है उन्होंने, देश में तो क्या नाम आपका, सबसे पहले तो पीएम ने भी बाहर जाके किया है। देखिए टाइम से लेकर अभी तक देख लीजिए आप, परिवारवादी चल रहा है उनका, यही उनकी एक बड़ी। राजस्थान में या जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से मोस्टली लोग बीजेपी को देखना चाहते हैं। बिहार, अपने बिहार का हूँ तो मुझे पता है कि गांव में क्या दिक्कतें थी, किसी घर शौचालय नहीं था, ये था घर नहीं थे किसी के पास, वो सबको घर मिला, फिर शौचालय सबके घरों में आया, गैस सिलेंडर के लिए बहुत लोग मतलब परेशान रहते थे, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हुआ इस। आगे भी हम यही चाहते हैं कि 2024 में भी बीजेपी आए। दोबारा देखते तो काफ़ी अच्छे किए हैं, जैसे कि कोरोना के अंदर फ्री के अंदर जो जनता को वैक्सीन दिलाना, और अनाज भी जो फ्री में मुहैया कराया था यहाँ पर जनता को, गरीब जनता को, तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और जो विदेशों के अंदर भारत की जो मान प्रतिष्ठा है वो भी काफ़ी बढ़ी है इस टाइम। बिहार से विनोद कुमार जी, अच्छा तो आपको क्या लगता है सर कि जनता का झुकाव किस तरफ होगा इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्यों मोदी सरकार? हमारा देश सुरक्षित है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हमारा देश सुरक्षित है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2014 से पहले भी तो सुरक्षित था, नहीं था क्या? सुरक्षित क्या हुआ, सुरक्षित था, देश गुलाम होने का स्थिति में था। महंगाई जो कहते हैं, महंगाई कोई खास बढ़ा नहीं है, देश हमारा सुरक्षा यानी कि आर्थिक मजबूती हुआ, और देश का जो यानी कि विकास के लिए, जो यानी कि देश के बॉर्डर के लिए, सेना के लिए जो बम परमाणु बनाया है मोदी जी, वो इतना पिछले सरकार नहीं किया था, नहीं। अच्छा राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि जो क्या कहते हैं राजनीति है, धर्म की और नफरत की राजनीति काफ़ी बढ़ गई है देश में। वो तो पप्पू है, एमडी है, पप्पू है, वो पप्पू है। हाँ पप्पू है, एमडी है, पप्पू है, और क्या है? एमडी है। एमडी? हाँ एमडी क्या? मोहम्मदन। नहीं मोहम्मदन नहीं है, मोहम्मदन है, मोहम्मदन है। उसका दादा कौन है? फिरोज गांधी है, फिरोज खान है। अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे आपको लगता है? वो तो दावा कर रहे हैं। उसमें दावा करने का कोई अकल नाम का चीज ही नहीं है। वो भी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, कह रहे हैं कि भारत टूटा कहाँ है जो कि भारत जोड़ा जाए, वो तो बुर्बक है, वो तो बुर्बक है जो कि भारत जोड़ो का यात्रा निकाल रहा है। तो बुर्बक नहीं है भारत, टूटा कब है? भारत को वह तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहा है, मोदी तो जोड़ दिया है, मोदी तो जोड़ दिया, टूटने का कहाँ से बात आ गया? और टूटा कहाँ है जो वो जोड़ रहा है? उसमें वह क्षमता नहीं है जोड़ने का भी नहीं। राहुल गांधी में वो सोचने की क्षमता ही उसमें नहीं है, राहुल गांधी में सोचने की क्षमता ही नहीं है। उठपटांग भाषण देते हैं, आलू से यानी सोना निकाल देंगे, यही सब उठपटांग भाषण देते हैं। किसान के लिए यानी खेतों में टाइल्स मार्बल लगा देंगे, ये उठपटांग भाषण हुआ। वो भी पता नहीं है किससे क्या बनने वाला है, वो भी पता नहीं। वो तो विदेश में सब दिन टूर किया है, तो भी उसको विदेश का ज़्यादा नॉलेज है ना, यहाँ का क्या नॉलेज रहेगा? यहाँ का जो हम लोगों का जो कल्चर है, कल्चर के हिसाब से थोड़े राहुल गांधी यहाँ सेट कर रहा है, नहीं कभी नहीं सेट करेगा 29 के बाद की, कभी नहीं, वो लाइफ में बनेगा ही नहीं।
और अगर गठबंधन होता है सारी पार्टियों का तो आपको लगता है कि कुछ सफल होगी? कोई सफलता नहीं होगा कारण कि मोदी एक अच्छे वेश में है, अच्छे मजबूती में। ऐसा थोड़े कि मोदी को और कोई नहीं चाह रहा, बहुत कोई चाहने वाला है। ऐसा थोड़े कि सब विपक्षी हो, सब टोटल विपक्षी पार्टी बन जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। बहुत ऐसा पार्टी है इसमें सटा हुआ है, बहुत ऐसा पार्टी इसके साथ चल रहा है। आप वापसी देखते हैं? हाँ निश्चित, डेफिनेट, 100% 100% 29 के बाद योगी, 29 के बाद योगी हाँ तैयार है योगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव जैसे है, अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी है पार्टियों की, तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ अभी जनता का झुकाव है? जनता का झुकाव तो आम आदमी की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है। आम आदमी नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो अगले साल है 2024 में, उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको बीजेपी की तरफ? कुछ हद तक तो बीजेपी ने सही काम किया है जी, और देश के प्रति और चाहे रक्षा वगैरह जिस मामले में भी हो अभी सही काम किया है। रक्षा के मामले में हाँ काम हुआ है बेहतर। अच्छा हाँ। मैं आपसे पूछूं कि 9 साल के जो कार्यकाल रहा है उसमें सबसे टॉप के मुद्दे कौन से होंगे जो 2024 में भाजपा को जीतने में मदद करेंगे, तो आपको क्या कौन से समझे? 370 धारा जी, कश्मीर से जो 370 जी जी, और अयोध्या का राम मंदिर का जो राम मंदिर निर्माण जो उसपे आप बाबरी मस्जिद जी, बाबरी मस्जिद का जो था जो, हाँ, जो राम मंदिर बना है, हाँ, उसका निर्माण जी, और उसके अलावा कोई? ये दो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं। आप संतुष्ट हैं जो 9 साल का कार्यकाल रहा है? हाँ मैं तो संतुष्ट हूँ। खामियाँ तो बस यही लगती जो ये COVID-19 में जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनका जो ये DA रोक दिया गया था वो सबसे बड़ा खामी लगता है, क्योंकि सारे चीज़ में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं खास करके जो CAPF वाले होते हैं बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं, कहीं भी देखा जाता है वही आगे जाते हैं, मगर उस समय उनका रोक दिया गया जो DA, यही सबसे कमी, बड़ा कमी लगता है। मतलब आपदा थी जो जिससे पूरा विश्व डूब गया था। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, मगर कहीं भी देखते हैं आप बॉर्डर पे हो या फिर कहीं जवान शहीद होते हैं या फिर कहीं भी कोई काम में आगे जाते हैं, मगर उनके साथ ये जो किया गया DA रोका गया यही थोड़ा सा कमी लगता है उनके करने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से अच्छे काम आपको लगे? अच्छे काम यही तो अभी भैया ने बताया आपको, ये जो वहाँ का धारा 370 हटाना और ये जो बहुत दिन से मामला अटका हुआ था ये राम मंदिर वाला, हाँ हाँ हाँ, इसका जो उन्होंने क्लियर किया अभी जो 2024 में उसका उद्घाटन भी होने वाला है। आपको लगता है 2024 में वापसी होगी भारतीय? हाँ वापसी होगी पक्का, हाँ 100% वापसी होगी। विपक्ष जो तैयार बैठा है वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी जैसे? वो तो बहुत दिन से बैठे हुए हैं, वो तो पिछले कितने सालों से बैठे हुए हैं, अभी उनका नंबर आना मुश्किल है, अभी तो यही बने। पर वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार बनेंगे वही प्रधानमंत्री। दावा तो बहुत पार्टी करती है, बहुत लोग करते हैं, मगर जो भाई सामने है जो सब दिख रहा है वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। हाँ वो तो। आपको क्या लगता है सर, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी अभी नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे क्योंकि अभी उनमें वो क्षमता नहीं है। कौन सी क्षमता? मतलब जो एक देश को प्रतिनिधित्व करने की वो क्षमता अभी उनमें नहीं है, काबिलियत नहीं है जो एक देश को चला सके। अभी नहीं है वो, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा उनको। आपके हिसाब से वापसी होगी? आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। भाई विपक्ष कुछ खेल करता दिख रहा है, बीजेपी कुछ इस बार डाउन होगी पहले का अपेक्षा। जी जी, तो क्या लगता है कि विपक्ष में बड़ा चेहरा कौन होगा? विपक्ष में बड़ा चेहरा तो अभी तो इन लोग का महागठबंधन होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा किस, हाँ इसके बाद ही पता चल पाएगा जो कौन सा गठबंधन में क्या। अभी जैसा अखिलेश यादव जा रहे हैं कोलकाता, इसमें क्या हो रहा है उस हिसाब से ही पता चल पाएगा। हाँ नीतीश तो होंगे नहीं, नीतीश नहीं होंगे। आप ही के राज्य से मुख्यमंत्री? हाँ हाँ, वो मेरे राज्य से। नहीं वो किसी को ठीक नहीं लग रहा है आज के दौर में, नहीं लगते। क्यों, क्या वजह है नीतीश कुमार पसंद? शराबबंदी सबसे बड़ा उनका विफल वाला है, और वो पलटू राम उनका नाम दे दिया गया है। तो अच्छा, 9 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसे काम है अगर आप बताना चाहें जो आपको लगता है जो अच्छे हुए भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा होता है वन रैंक वन पेंशन में सबसे अच्छा काम किया है, राम मंदिर निर्माण जो कराया है वो बहुत अच्छा किया है। हाँ राम मंदिर के निर्माण से किया है, और 3 तलाक भी उन्हीं ने, भाजपा ही ने लाया था तो वो भी सही किया है। और अभी फिलहाल जो हमारा फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन जो घर पर, हाँ मतलब वन रेशन वन, मतलब कहीं से भी आप राशन उठा सकते हैं। जी 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 जी। और विपक्ष में राहुल गांधी इस वक्त सबसे बड़े चेहरा है, आपको लगता है अगर जो जितनी पार्टी हैं क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस वगैरह अगर मिलेंगी
तो महागठबंधन सफल रहेगा? नहीं नहीं सफल रहेगा, नहीं क्योंकि उनमें किसी का तालमेल बैठेगा ही नहीं किसी के साथ। राहुल गांधी चाहेंगे जब हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ममता बनर्जी चाहेगी जब हम बन जाएं, और उधर नीतीश जी चाहेंगे जब हम बन जाएं, अखिलेश यादव चाहेंगे जब हम बन जाएं, इसलिए गठबंधन तो सक्सेस नहीं हो पाएगा चाहे कुछ भी, इसी फूट में रह जाएंगे। गठबंधन होगा भी तो फायदा नहीं हो पाएगा। और कुछ आप कहना चाहें? अगर आप, मैं यही चाहूँगा जो कि फिर से इस बार बीजेपी को लाया जाए, क्योंकि देख रहे हैं कितने सरकार में अभी काम कार्य किया गया है, यही है जो कि बीजेपी फिर से आए। मैं जनता से यही अपील करूंगा जो बीजेपी आए। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि नफरत की राजनीति बहुत बड़ी है, तो आपको लगता है नफरत की राजनीति हुई? नहीं नहीं, नफरत की राजनीति किसको, वो जो विपक्ष वाले लगा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी क्यों, ईडी का छापामारी हुआ तो लालू यादव भी लगा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास धन है तभी ना वो ईडी का और सीबीआई का जांच करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, सब किसी के पास तो नहीं हो जा रहा है, यही है मेन। इसका भाजपा का जी 9 साल का कार्यकाल जब रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है, हर तरीके से, जैसे इंडिया स्ट्रेंथ हुआ है और बड़ा है, इकोनॉमी देख लो चाहे आप, हर तरीके से इंडिया बढ़ा है आगे, मतलब इंडिया बढ़ा बिल्कुल। अच्छा, वो मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसे कार्य जो आपको बेहद पसंद आए, जो लगता है आपको चुनाव जीतने में मदद भी करेंगे? एक तो जैसे सबसे पहले जैसे रोडों का जो काम हुआ है वो बहुत बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा जो आधुनिक जो सीमा ये सेनाएँ हैं इनको बहुत तरीके से आधुनिक किया है, चाहे वो हथियारों के हिसाब से देख लो या उनको लिबर्टी देने के हिसाब से देख लीजिए, बहुत अच्छी रक्षा नीति। अच्छा, अभी कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी जी ने, तो आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से फ़र्क पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस तो वैसे भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, और ज़्यादा यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। देखिए डाउन हो चुकी, लेकिन आपकी राजस्थान में तो कांग्रेस ही, राजस्थान में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का जो जो मेन जो लीडर होने चाहिए जो, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कोई ज़्यादा है नहीं उनमें, दम नहीं इतना, कोई लीडर नहीं। राहुल गांधी ठीक लीडर नहीं लगते आप? नहीं, राहुल गांधी ठीक ठीक नहीं है, बदलाव देखना चाहते हैं, आपको लगता है कांग्रेस में अगर कोई नेता बदलेगा तो ठीक होगा? बिल्कुल, विकल्प के रूप में आप किसे देखते हैं कांग्रेस? विकल्प में कांग्रेस में जैसे कुछ शशि थरूर जैसे कुछ अच्छे नेता हैं जो जिनको आगे आना चाहिए, जिनको आगे आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में तो परिवारवाद का भी आरोप लगता है, वो आगे नहीं आने, परिवारवाद है आरोप क्या लगता है, वो करते रहे हैं शुरू से करते, बिल्कुल आज़ादी के टाइम से लेके अभी तक देख लीजिए आप, परिवारवाद ही चल रहा है उनका, यही उनकी एक बड़ी खामी रही है। बिल्कुल, आप संतुष्ट हैं, दोबारा देखना चाहते हैं? जी, मैं कांग्रेस को नहीं देखना चाहता हूँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहता हूँ, और हम नहीं, मेरे अपने, मैं अगर राजस्थान में या जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से मोस्टली लोग बीजेपी को देखना चाहते हैं। तो 9 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप उसे संतुष्ट हैं कि बदलाव देखना चाहते हैं? हाँ, बदलाव देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे तो बदलाव क्यों देखना चाहते हैं? नीतीश की सरकार बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं ना? मैं लोकसभा में पूछूं, देश में पूछूं? लोकसभा ठीक है, ठीक है। मोदी जी से संतुष्ट हैं? हाँ, मोदी जी अच्छे। चलिए बताइए कुछ ऐसे कार्य जो आपको पसंद आए हो मोदी सरकार के राज में। नहीं, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, और जो करप्शन है उनके ऊपर अच्छे काम कर रहे हैं, करप्शन कम हुआ है। हाँ, और कोई मुद्दे? और सारे मुद्दे भी अच्छे हैं, रोजगार के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है आपके साथ। और बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट है। कोई ऐसे कार्य जो तुम्हें पसंद आए हैं? हाँ, बहुत सारा है। पहले तो हमारा मतलब जब तक मोदी नहीं थे उसके पहले कुछ वैसा नहीं था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान आया, उसके बाद हमारा जो कश्मीर वाला मिशन था वो फिर से ये 370 जो भी हमारा, हाँ ये हटाया गया, बाकी और भी बहुत सारे हैं। पहले क्या था कि हम, मैं जिस अपने बिहार का हूँ तो मुझे पता है कि गांव में क्या दिक्कतें थी, किसी घर शौचालय नहीं था, ये था घर नहीं थे किसी के पास, वो सबको घर मिला, फिर शौचालय सबके घरों में आया, गैस सिलेंडर के लिए बहुत लोग मतलब परेशान रहते थे, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हुआ, ये सब इशूज़, तो ये सब चीज़ें उस मोदी जी के सरकार का पहले तो नहीं था, तो इससे तो हम बहुत संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिहार के हैं तो हम बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी राज्य का। हाँ हाँ हाँ, तो वैसा कुछ नहीं है, हम दिल्ली में भी हैं तो हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, और बिहार में भी हमारी फैमिली है तो बीजेपी को ही सपोर्ट करती है। और शर्मा कहाँ से हो? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से हो। अच्छा, कुछ समय में लोकसभा चुनाव है, कुछ महीने बाद।
मैं आपसे पूछता हूँ, जो 9 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? जी सर बिल्कुल हूँ। संतुष्ट हैं जी सर। कोई ऐसे कार्य जो आपको लगता है अच्छे हुए हैं? जी सर, कार्य तो काफ़ी अच्छे किए हैं, जैसे कि कोरोना के अंदर फ्री के अंदर जो जनता को वैक्सीन दिलाना और अनाज भी जो फ्री में मुहैया कराया था यहाँ पर जनता को, गरीब जनता को, तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और जो विदेशों के अंदर भारत की जो मान प्रतिष्ठा है वो भी काफ़ी बढ़ी है इस टाइम। कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का अभी तक, तो आप उससे जनता के तौर पर संतुष्ट हैं कि बदलाव भी है? बहुत संतुष्ट हैं, बेहद संतुष्ट हैं। क्यों बताइए कारण? अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम हो रहे हैं। चलिए, आप अपनी पसंद के कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आपको बेहद पसंद आए और जिनसे आप दोबारा उनको देखना चाहते हैं। सभी काम अच्छे हो रहे हैं, अपना राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बना है, 356 हट गया, 370 और 35 है जी, 35 है। इसके अलावा और कोई मुद्दे? सही है, सब कुछ सही है, ये आपके लिए बड़े मुद्दे हैं। अच्छा, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, मैम आपसे भी पूछूंगा मैं, कि बेरोजगारी और महंगाई इधर काफ़ी बढ़ा है पहले के समय से, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है तो क्या हुआ, लेकिन काम तो अच्छा हो रहा है, सही है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, सच्चाई हो सबसे पहले, सच्चाई। जैसे कहीं घूमने जाते थे, कितने भी पैसे मांग लेते थे, कुछ भी ऐसे, जैसे अब वो सब थोड़ा सा सुधार हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपके बिहार से जो है नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, आपको क्या लगता है? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? वो तो अब इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं बता रहे हैं पॉलिटिक्स में, अब तो हर कोई को अपना सपना देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट। दोबारा जो आपसी देखते हैं? हाँ, बीजेपी तो हमने बीजेपी को देखना चाहिए, बिल्कुल। 2024 का चुनाव कुछ समय बाद ही है, कुछ महीने बाकी हैं जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह जनता का झुकाव हो रहा है किस पार्टी की ओर? मेरे हिसाब तो बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट जी जी। बीजेपी बेस्ट, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे जी, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं 3-4 कोई ऐसे कार्य बताइए जो आपको पसंद आए हो मोदी का, मोदी जी के कार्यकाल में, तो उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा किया है, उसके बाद स्टूडेंट के लिए भी बहुत कुछ ऐसा सुविधा मिला है जिससे स्टूडेंट के लिए भी सुविधा मिली है। जी जी बिल्कुल। और विपक्ष में आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की ये नफरत की राजनीति बहुत फैलाई है भाजपा सरकार ने, तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब विपक्ष है तो वो तो दबाने के लिए दूसरे पार्टी को ऐसा ही करेगी, लेकिन हम लोगों का सपोर्ट जो है बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। बदलाव नहीं देखना चाहते? बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छा, और भी देश तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। तो कार्यकाल रहा है भाजपा का, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? जी बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है, बदलाव नहीं देखना? नहीं। चलिए, कोई ऐसे कार्य बताइए जो आपको बेहद पसंद आए? बहुत अच्छा, जैसे 370 धारा हुआ कश्मीर से हटाएगा, बहुत अच्छा काम हुआ वो, 370 हटाए जी। हाँ, और जो भी है करप्शन के खिलाफ जो काम कर रही है मोदी सरकार, बहुत अच्छी काम है। वैसे ही हम लोग बिहार में भी जाकर देखिएगा, पहले से बहुत भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ जी। अभी ईडी की छापेमारी चल रही है यादव फैमिली पर जी, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी और एनआईए जितनी भी एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई वगैरह? ऐसा कुछ बात नहीं है, जितना भी बिहार में कुछ हुआ है, जैसे कोई भी घोटाला हुआ है उन्हीं का खानदान का किया हुआ है, 1990 तक अभी तक जो भी है उन्हीं के हाथ में सत्ता है, बिहार उन्हीं के हाथ से बर्बाद हुआ है, तो इसे गलत कैसे है? विकास उन्हीं के हाथों से रुका है जी, उन्हीं की वजह से रुका ही है जी। चलिए, आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? चलिए, अभी उन्होंने बाहर जाके एक बयान भी दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कि जो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो देश को एक तरह से देश का विरोध किया जा रहा है बाहर जाकर, उस पर काफी बवाल उठा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो अपनी बात रखी, उन्होंने विरोध कहाँ किया, देश का कहाँ अपमान किया है उन्होंने, देश में तो क्या नाम आपका, सबसे पहले तो पीएम ने भी बाहर जाके किया है। नहीं, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपको यदि कोई आपत्ति है तो आपने देश में बोली है उनसे, उसको कोई नहीं, लोग बात रखी है अपनी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस देश को हमारा, हम अपने आप ही लड़ेंगे, हमारी इंटरनल लड़ाई है जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्म के आप आके हमारे यहाँ साथ दो और आप हमें, बोला कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो आपको लगता है वो ऐसा हो ही रहा है? नहीं, आपको लगता है आज़ादी? आज़ादी है ही नहीं, नहीं जब उन्हें बड़े बड़े लग रही है, हमारे क्या हम क्या कहेंगे, बोल रहे हैं ना खुलकर, अभी सब बोल रहे हैं आज़ादी तो है बोलने की ना आज़ादी। अभी यूपी में एक बच्चे ने सवाल पूछा था आज़ादी का, उसको गिरफ्तार कर लिया। किसको? एक बच्चे को। किस बच्चे को? एक लड़का था, उसने कोई पत्र, कोई वो यूपी की मंत्री थी, उससे कोई सवाल कर लिए, तो उसके ऊपर उसे बोलने के चक्कर में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। तो आपको लगता है कि आज़ादी नहीं? बदलाव तो सभी देखना चाहेंगे। तो आप मतलब संतुष्ट नहीं है बीजेपी? नहीं नहीं, संतुष्ट तो कभी पब्लिक नहीं हो सकता नहीं। कभी। क्या कमियां लगती हैं आपको? बहुत सारी कमियां है, अब क्या क्या बताऊं। अच्छा चलिए, आपने कहा बदलाव देखना चाहते, बदलाव के रूप में किसे देखते? राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो आपको लगता है ठीक है?
अब तो हर बार अलग अलग कोई कोई मतलब हर लोग आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। चांस दिया जाता है कि अब कि ये बार आए आदमी लेकिन वो भी गलत ही करके जाते हैं। विश्वास पे हर आदमी चुनता है लेकिन वो लोग विश्वास पे उतरते नहीं हैं। आप सर अगर मैं आपसे पूछूं कुछ समय में चुनाव होने हैं, कुछ महीने बाकी हैं, तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है वो ठीक रहा है या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं क्यों? ऐसा क्या लगता है कि सर महंगाई भी है ठीक है और प्लस राजनीति इतनी हिंदू मुस्लिम पे हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई राजनीति, तो उसमें जो है बदलाव चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जैसे शासन है योगी जी का वो ठीक है कि? योगी जी का शासन तो ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ भी हैं सही सेम जैसे है पूरे इंडिया में है वो चीज़ ठीक है, तो मैं वहाँ भी ऐसे ही चाहता हूँ कि वहाँ पे भी बदलाव हो। अच्छा, अब ये बहुत होता है कि पहले जंगल राज था समाजवादी पार्टी के दौर में और अब काफ़ी हद तक कम हुआ है, खत्म हुआ है, तो ये क्या बात सच है? मैंने बोला ना पहले से बहुत बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर बहुत बेहतर हुआ है ठीक है, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से बदलाव चाहिए ही चाहिए। प्रधानमंत्री पद के तो राहुल गांधी जी। हाँ जी हाँ जी, मतलब ठीक लगते हैं आपको? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने करी आपको लगता है उससे मतलब बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखना चाहते हैं बदलाव? देखना चाहते हैं बदलाव, देखना चाहते हैं, मतलब संतुष्ट नहीं है? क्या क्या ऐसे आपको चीज़ें लगता है जो उम्मीदें थी वो भाजपा सरकार ने नहीं करी? महंगाई देख लो कितनी हो गई है, महंगाई, और उसके अलावा? और नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी, ये मुद्दे होंगे इस बार आपको लगता है इस पर चुनाव लड़ा जाएगा? चलिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? सरल त्यागी। आप भाई साहब की बात से सहमत हैं? दोनों भाई हैं तो मतलब सोच भी दोनों की बिल्कुल। आप भी बदलाव देखना चाहते हैं? बिल्कुल। कमियां लगती हैं आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। मैं हाँ जी सर, सरदार जी भी मौजूद है। क्या नाम है अभी आपका? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर सिंह जी अभी साथ में जयपुर से हैं? नहीं जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं, अच्छा। तो मैं आपसे पूछता हूँ जो 9 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, मतलब वैसे सही करते हैं लोगों की तरफ से है, अभी कुछ कोई माँ गलत मानते कोई सही मानता है, अभी सही बहुत चीज़ें करी हैं, पर जिसको गलत देखने गलत देखता है वो। आपको आप क्या देखते हैं, आप ठीक देखते हैं गलत देखते हैं? मैं सही ही देखता हूँ जी, वो सही चल रहा है अभी, अच्छा देखते हैं बस, अपना मन खुश रहते हैं। आपके हिसाब से ठीक है? हाँ जी। अगले मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी तैयार है, तो आपको लगता है राहुल गांधी बनने चाहिए या बनेंगे प्रधानमंत्री? देखो जी, मैं पॉलिटिक्स से ना तो ज़्यादा देखता हूँ, वैसे बस सुनते हैं। हाँ जानता हूँ। कैसे नेता लगते हैं ये बता दें? वैसे ठीक है जी, बस चलो बन जाए, उनकी किस्मत है अभी कैसे भी बनेंगे, वैसे सही है सब, बाकी आप संतुष्ट हैं? हाँ।